हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में कुछ रिक्वायरमेंट निकली हुई है। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है बी बी टेक और डिप्लोमा वालों के लिए निकली हुई है। इसकी जो डेट है 24 मई से 4 जून तक है और इसके लिए कोई फीस नहीं लग रही, यानी कि फीस जो है वो 0 रुपये है। चाहे वो SC का हो या ST का हो या जनरल हो या OBC, किसी भी कैटेगरी का हो उसके लिए फीस नहीं लग रही है। ठीक है, और इसकी और डिटेल क्या क्या किस पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट हैं ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्रुप ए का है, गैजेटेड ऑफिसर, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो जनरल ड्यूटी, ये जो जनरल ड्यूटी दिख रहा है, जनरल ड्यूटी में सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है और जनरल ड्यूटी SSA जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो मेल और फीमेल दोनों ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो जनरल ड्यूटी है इसमें बैचलर डिग्री मांगा है फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। तो इसके लिए जो है आपको BTech या BE या BTech का डिग्री मांगा है इसमें। ठीक है, और 12th में जो है 60% होने चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ। ठीक है, उसके बाद से जो ये नीचे पोस्ट है कमर्शियल पायलट एंट्री की, तो इसके लिए आपको 12th में PCM से 60% होना चाहिए। PCM मतलब कि मैथ और फिजिक्स से किया हो, और 60% होना चाहिए एग्रीगेटिव, यानी कि टोटल 60% होना चाहिए, और पायलट का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो 1 जुलाई 1995 से 30 जून 2001 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेटें भी जो है इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है टेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल की। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसके लिए जो एज है वो 1 जुलाई 1995 से 30 जून 1999 तक है। ठीक है, इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग में आपने 60% मार्क्स प्राप्त किए हों किसी भी इंडिया के किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और ब्रांचेस जो हैं इंजीनियरिंग ब्रांच में, ब्रांच जो है नेवल आर्किटेक्चर हो, मैकेनिकल हो, और मरीन और ऑटोमोटिव हो। ठीक है, उसके बाद से इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी हो, या फिर डिजाइन और एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस, इनमें से कोई भी एक हो। ठीक है, एक ब्रांच हो। उसके बाद से ये जो है आपने इंटर में जो है 60% मार्क्स प्राप्त किए हो मिनिमम। ठीक है, इतना तो होना चाहिए कम से कम। या फिर इसके साथ साथ 3 ईयर डिप्लोमा विथ एन एग्रीगेटिव ऑफ 60%, तो 60% आपके डिप्लोमा में हो। ठीक है, उसके बाद से जो ये नेक्स्ट पोस्ट जो है लॉ वालों के लिए है, इसके लिए जो डेट है बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1999 के बीच में। इसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अ डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 3 ईयर डिग्री इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन, और 5 ईयर आफ्टर 10+2। 10+2 के बाद 5 ईयर का हो या फिर 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद डिग्री हो। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें हैं। और इसके लिए जो जो कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है ये दे रखा है कि अपर एज लिमिट OBC SC NST फ्लेक्सिबल एज पर गवर्नमेंट रूल। तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो एज में छूट मिलेगी वो मिलेगी इसमें भी, जो सभी जॉबों में मिलती है। उसके बाद से जो है स्पोर्ट NCC अगर है, ठीक है, तो 5% उसके लिए छूट मिलेगा। और इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट है नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन। ठीक है, अ कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू फिक्स कट ऑफ परसेंटेज एंड इशू PSB कॉल अप लेटर। तो वो कट ऑफ जो है कोस्ट गार्ड डिसाइड करेगा। ये सारी नोटिस हैं। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव नॉट कम्प्लीट देयर लॉ डिग्री नीड नॉट टू अप्लाई, देयर एप्लीकेशन विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि जिन्होंने जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो अगर अप्लाई करते हैं तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो जिनका कंप्लीट है वही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद से जो ये सारी डिटेल यहाँ नीचे दे रखा है, सावधानियाँ कि इसमें कोई हमेशा, यानी कि सिलेक्शन इन कोस्ट गार्ड इज अ फेयर एंड मेरिट बेस्ड ओनली। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट फेल प्रे टू अनस्क्रिप्शलस पर्सन पोजिंग
एज रिक्रूटमेंट एजेंट फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट सच पर्सन कैंडिडेट मस्ट अप्रोच द डायरेक्टर कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इन नोएडा ऑन टेलीफोन नंबर। ये दे रखा, अगर आपसे कोई कोई भी पर्सन है जो झूठी इन्फॉर्मेशन देता है कि हम आपका करा देंगे, तो आप इसको इस नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कोस्ट गार्ड से जो हाल ही में रिक्रूटमेंट निकली उसके बारे में कुछ जानकारियाँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।